वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस, सब्जेक्ट सोशल साइंस सॉरी, लेसन जो है हम पढ़ रहे थे और हिस्ट्री तारीख के बारे में हम पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एंशेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दो पीरियड्स हमने पढ़ लिए, एंशेंट एंड मेडिवल। अब जो हमारा तीसरा जो है वो मॉडर्न पीरियड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियड में जो है जब मुगल्स का डाउनफॉल हुआ, ठीक है, जब मुगल्स की हुकूमत ख़त्म हो गई तो ब्रिटिश ने जो क्या है हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, ठीक है। उसके बाद तो हम पढ़ते हैं उसको डिटेल के बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं इसके। आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर द ब्रिटिश बिगेन देयर रूल ओवर इंडिया, ठीक है। क्या बता रहा है, मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के बाद जो ब्रिटिश है उसने अपना रूल जो है कायम किया हिंदुस्तान में। द फ्रेंच द पुर्तगीज एंड द डच ट्रेडिंग कंपनीज विच हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रेड वर ऑल डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देखो, बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनीज आई हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड एज ए ट्रेड करने के लिए। उसमें थी जो है डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, फ्रेंच भी थे, ठीक है, अरब्स भी थे, और इसके अलावा जो है और यूरोपियन कंट्रीज के कुछ आए थे, ठीक है। तो उसको जो है ये अब सारे जो है पहले ट्रेड करने के लिए आए, फिर जो है ये सारे आपस में लड़ने लगे किसके लिए, ताकि वो अपना कंट्रोल जो है ट्रेड पर जमा सके। तो इन सब को जो है किसने हराया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने जो है इन सब जो है जितने भी मेंबर्स आए थे इन सबको हरा दिया, उसके बाद अपना रूल कायम किया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या बता रहे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने उस वक्त के जो नवाब था, ठीक है, बंगाल का सिराजुद्दौला, इसको हराया और किसको नया रूलर बनाया, बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल का मीर जाफर को, ठीक है, मीर जाफर को उसको वहाँ पे उन्होंने नवाब बना दिया उसके बाद, ठीक है। ऑल्दो द ब्रिटिश हैड कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स दे ग्रेजुअली कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून ब्रॉट द होल इंडिया अंडर देयर कंट्रोल। क्या हुआ, देखो, जब ये ब्रिटिशर्स जो हिंदुस्तान में आए थे ये ट्रेडर्स की तरह आए थे, एक तिजारतकार आए थे कि तिजारत करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरा जो है इंडिया जो है इनके कंट्रोल में आ गया, ठीक है। दे बिल्ट रोड्स, रेलवेज, रेलवे लाइन्स एंड पोर्ट्स, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बनाए, रोड्स बनाई, रेलवे लाइंस बनाई, ठीक है, पटरियाँ वगैरह रेल्स को ओपन किया। उसके बाद पोर्ट्स, बंदरगाहें बनाई, ठीक है, पोर्ट्स कहा जाता है जहाँ पे शिप्स वगैरह अपने सामान लोड और अनलोड किया करते हैं, ठीक है। दे रियून द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ट्रेड एटसेट्रा, ठीक है, उन्होंने जो है हिंदुस्तान की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उनको ख़त्म कर दिया, मींस जो भी उनका जो है अपना कल्चर उन्होंने यहाँ पे जो है उसको फैलाया, ठीक है, हिंदुस्तानी के जो कल्चर जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं उसको बंद करवा दिया, ठीक है, और ट्रेड को भी, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जॉबलेस हो गए, पीजर्स जो थे, आर्टिसंस जो थे। उसके बाद दस इंडियंस वर अनहैप्पी अंडर द फॉरेन रूल, इसलिए क्या थे, हिंदुस्तानी नाखुश थे किससे, जो ये फॉरेन रूल आया था, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया था इनके लिए, ठीक है। इन 1857 इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, देखो 1857 की जो बगावत हुई थी, रिवोल्ट हुई थी, इसके बहुत सारे काजेज है, लेकिन जो मेन काज था वो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस था, ठीक है। ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस होता है कि जो उनमें जो ग्रीस जो कार्ट्रिजेस होती थी उनमें जो है फैट्स होती थी पीक्स और कॉज की, जिसके वजह से जो है लोगों के जो जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे वो हर्ट हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद 1857 इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, 1857 में हिंदुस्तानियों ने किसके खिलाफ जंग की, ब्रिटिश के खिलाफ। द रिवोल्ट वॉज क्रश्ड बाई द ब्रिटिश फोर्सेज, जो ये रिवोल्ट हुई थी, बगावत जो हुई थी, इसको दबा दिया गया, किसने दबाया, ब्रिटिश की जो फोर्सेस थे, एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और जब ये रिवोल्ट दब गई तो इंडिया जो है वो किसके कंट्रोल में आ गई, सीधा जो क्वीन थी इंग्लैंड की उस टाइम, ठीक है, उसके अंडर
many educated Indians formed political organization as a, ठीक है, क्या बता रहा है कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी हैं उन्होंने बहुत सारी सियासी तंजीमें बनाई, जैसे कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज बनी, इसके साथ बहुत सारी जो है ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, मैंने चंद का नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है, टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ताकि वो आज़ाद करा सके हिंदुस्तान को किसकी रूल से, अंग्रेजों के रूल से, ब्रिटिश के रूल से, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे इस जो मूवमेंट्स जो ये चलाते थे, जैसे महात्मा गांधी तो सबको मालूम है, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, ये क्या थे, ये इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे किन के, जो भी ये फ्रीडम मूवमेंट्स चली थी, जो भी मूवमेंट्स उन्होंने चलाई थी। तो महात्मा गांधी ने एक पीसफुल मेथड भी चलाया था, ठीक है, महात्मा गांधी यूज द पीसफुल मेथड ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह का एक मेथड चलाया था, पीसफुल मेथड, जो किस पे बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ वा सच्चाई पे बेस्ड था, और नॉन वायलेंस कहते हैं शोर शराबे के खिलाफ था, लड़ाई झगड़े के खिलाफ था, ठीक है। उसके बाद ही ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स, उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स को शुरू किया, जैसे डांडी मार्च है, साल्ट सत्याग्रह था, ठीक है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, क्विट इंडिया मूवमेंट थी, ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट्स से चलाई थी उस टाइम जो है इन लीडरों ने, ठीक है, ताकि किसके लिए, ताकि जो है ये ब्रिटिश को यहाँ से निकाल सके, ताकि मजबूर होकर ब्रिटिश जो है यहाँ से निकल जाए। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मच स्ट्रगल एंड लॉस ऑफ लाइव्स, इंडिया फाइनली बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद और बहुत सारे लोगों की जाने गंवाने के बाद जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, हिंदुस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। इंडिया अटेंड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कब जो है इंडिया ने अटेंड किया था फ्रीडम ब्रिटिश रूल से, 15th of August 1947 में, ठीक है, इसलिए हम हर साल जो है 15 अगस्त एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मॉडर्न पीरियड के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इसके आगे जो होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।